हेलो गाइस, मेरा नाम है शिशिर और आप लोग देख रहे हैं टीवी स्टेशन। तो आज मैं लाया हूँ पांच सबसे बेस्ट स्मार्टफोन जो कि आते हैं सिर्फ 10,000 रुपये में। शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मिल सके ऐसे ही वीडियो की जानकारी सबसे पहले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में पाँचवें नंबर पर है मोबिस्टार एक्स क्यू ड्यूअल, जिसका प्राइस है 7,999। और इस प्राइस रेंज में ये लोग दे रहे हैं 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज, जो कि एक्सपेंड कर सकते हैं आप 128 GB तक, और 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले। कैमरे की बात करते हैं तो 13 MP का रियर कैमरा एंड 13+8 MP का डुअल फ्रंट कैमरा इसमें दिया हुआ है, और स्नैपड्रैगन कॉलकॉम 430 प्रोसेसर इसमें दिया गया है, जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत ही बेटर है। साथ में ही आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर। इस प्राइस रेंज में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। साथ में देते हैं आपको 3000 mAh बैटरी, तो ये बैटरी जो है आपकी पूरे दिन भर चलेगी, आपको बार बार इसे चार्ज में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज, मेरे हिसाब से फ़ोन बहुत ही बेस्ट फ़ोन में से एक है। तो गाइज़, अगर आप फ़ोन ख़रीदना चाह रहे हैं तो इस फ़ोन को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलती आसानी से। तो गाइज़, हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पे है मोटो E4 प्लस, जिसका प्राइस है 8,999। इसमें भी सेम 3 GB रैम एंड 32 GB इंटरनल स्टोरेज दे रखा है, जो कि आप एक्सपेंड कर सकते हैं 128 GB तक। स्क्रीन 5.5 इंच की है, HD डिस्प्ले है, और कैमरा इसमें 13 MP का रियर कैमरा और 5 MP का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है। दोनों ही साइड में इसमें फ्लैश भी दे रखा है। प्रोसेसर इसमें मीडियाटेक का लगा हुआ है 6737, जो कि 1.3 GHz का है। इसमें भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में जो कि सबसे बड़ी बात है, इसमें बैटरी इसमें लगा रखी है 5000 mAh की, जो कि हो सकता है आपकी 2 दिन भी चले। तो गाइज, अगर आप बैटरी से परेशान रहते हैं अपने फ़ोन में, तो ये फ़ोन को आप ज़रूर कंसिडर करिएगा, इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा चलने वाली है। लेकिन हाँ, चार्ज करने में भी बहुत टाइम लग सकता है इसको। तो हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है असुस जेनफोन 4, जो कि एक सेल्फी फ़ोन माना जाता है। इसका प्राइस है 8,999 रुपीज़। इसमें भी सेम 3 GB रैम प्लस 32 GB इंटरनल मेमोरी दे रखी है, जो कि आप एक्सपेंड कर सकते हैं 2 TB तक। ये गाइस बहुत ज़्यादा है, 2 TB। इसमें 5.5 इंच की HD डिस्प्ले दे रखी है। कैमरे की बात करें तो इसमें फ्रंट में और रियर में दोनों साइड में 13 MP का कैमरा दे रखा है विद LED फ्लैश। प्रोसेसर इसमें कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 430 दिया हुआ है। गाइस, में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, और बैटरी इसमें 3000 mAh की है, जो कि सफिशिएंट है। तो गाइस, जो लोग अपने फ़ोन से सेल्फी वगैरह लेते हैं, वो इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। गाइस, ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है, असुस बहुत ही अच्छी कंपनी है, तो आप इस फ़ोन को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो गाइस, हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है रियलमी, जो कि ओप्पो का सब ब्रांड है, और इसका प्राइस है 8,990। इसमें भी सेम 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी दी हुई है, जो कि आप एक्सपेंड कर सकते हैं 256 GB तक। इसमें 6 इंच का डिस्प्ले है, जो कि गाइस पहले के फ़ोन से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें डिस्प्ले साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। कैमरे की बात करते हैं, 13 MP का इसमें बैक कैमरा दिया हुआ है विथ फ्लैश, और 8 MP का फ्रंट कैमरा है। इसका फ्रंट कैमरा बहुत ही कमाल का है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको मोड मिल जाते हैं, जैसे कि AI शॉट, विविड मोड और बुके मोड। गाइस, इसमें प्रोसेसर जो है हेलियो का P60 दिया हुआ है, और इसमें इस प्राइस रेंज में फेस अनलॉक फीचर दिया हुआ है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है गाइस, और बैटरी इसमें 3410 mAh की है। गाइस, ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है, और ये ओप्पो का सब ब्रांड है, और इस प्राइस रेंज में इन लोगों ने बहुत ही अच्छी सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप लोग इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। और हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है शियोमी रेडमी 5, जिसका प्राइस है 9,990। इसमें भी सेम 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज दे रखी है, जो कि आप एक्सपेंड कर सकते हैं 128 GB तक। स्क्रीन साइज़ इसका 5.7 इंच है, जो कि एक HD डिस्प्ले है। इसमें रियर कैमरा 12 MP का दे रखा है, और फ्रंट कैमरा 5 MP का है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर इसमें दे रखा है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसमें आपको मिलता है, और आपको मिलती है 3300 mAh की बैटरी। तो गाइज़, ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है, शियोमी ने अपना इंडिया में बहुत ही नाम बना लिया है, और इसका कैमरा वाकई में बहुत अच्छा है, और बहुत ही अच्छी है सेल्फी, और बहुत ही अच्छे विविड कलर के साथ ये फ़ोटोग्राफ खींचता है। तो आप फ़ोन खरीदते वक्त इसको ज़रूर कंसिडर करिएगा।
तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियो फ्यूचर में देखने को मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। Wow.